अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे नहीं पता हमारी कहानी इतनी कम समय के लिए थी। मुझे कुछ कहना है तुम देखो रजत जी सपना देख रहे हो रजत जी।
सुनो राजा जी, राजा जी। रानी माँ राजा जी कहाँ है वो? क्या मतलब? हे भगवान, अनमोल सुबह सुबह कांच तोड़ के तुमने कितना बड़ा अपशगुन कर दिया है। नंदनी फोन दो अपना, हमें राजा जी को कॉल करना होगा। अनमोल बेटा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हो गया? राजा जी फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। अनमोल, रजत को छोड़ो, ये सोचो कि कांच को तोड़ के अब पता नहीं कौन सी मुसीबत को बुलाने वाली हो तुम। नंदिनी, पहले पानी पिलाओ इसे, जरूरत से ज्यादा घबराई हुई है। भाभी, अब आइए हमारे साथ, चलिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों बार बार अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रही हो? इतना भी नहीं जानती कि कांच के टूटने से अपशगुन नहीं होता है, बल्कि इससे बहुत बुरी बला टलती है, और आज अनमोल ने बहुत बड़ी बला को टाला है। नंदिनी, रजत जी फोन नहीं उठा रहे, तुमने कहीं तो नहीं देखा होगा ना? बताओ ना, कहाँ है रजत जी? भाभी, भाई को हमने सुबह से नहीं देखा। पर हुआ क्या है, बताइए तो सही। बात क्या है अनमोल, बताओ हमें। हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पहले हमें रजत जी से बात करना है। मृदुला, सबसे बड़ा अपशगुन तो तुम हो। तुम्हारे रहते हुए ना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए बिना तमाशा किए हुए यहां से चली जाओ तुम। और वैसे भी तुमने कोई इज्जत नहीं कमाई जो तुम्हें 24 घंटे से ज्यादा एक मिनट भी दिया जाए। हमें रजत जी से बात करना है। भाभी, सब ठीक हो जाएगा, बात हो जाएगी भाई से। अनमोल, बेटा इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? हमें भी नहीं पता है कि रजत कहाँ गया है, वरना हम बता देते। आ जाएगा वो, कोई जरूरी काम से गया होगा, आ जाएगा। माँ, हमने एक सपना देखा और आपको लगता है कि वो सपना हकीकत में बन जाएगा, है ना? नहीं, नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुनहरी, नंदिनी, लगता है ये सपने की वजह से बहुत डर गई, इसे कमरे में लेकर जाओ। नहीं 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 माँ, हमारे रजत जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे रजत जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम। अनमोल, thank you.
रजत जी हम अनमोल 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 क्या हुआ है? देखो सब लोग अच्छा इधर आओ चलो अरे मुझे तो लगा था कि केवल मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं पर तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है इतना मिस कर रही थी मुझे कि सारे घर वालों के सामने ही गले लगा लिया अरे दूर क्यों हट रहे हो चोरी कोई आ जाएगा अनमोल क्या हुआ है तुम इतनी परेशान क्यों हो किसी ने कुछ कहा तुमसे अनमोल देखो तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता अब बताओ मुझे क्या बात है बताओ रजत जी अरे हम आपको नहीं खो सकते रजत जी हम आपको नहीं खो सकते आप तो लोगों ने कभी चारी हमें अंदर तक झंझोड़ देता है हम आपको नहीं खो सकते रजत जी अरे एक मिनट इधर देखो मेरी तरफ पर मैं कहां जा रहा हूं मैं यहीं हूं तुम्हारे पास और प्रॉमिस करता हूं कि हमेशा अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा रोना बंद करो अभी और वैसे भी अगर हमारे बीच में किसी ने आने की कोशिश की ना तो वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा पूछो क्यों अरे पूछो पूछो क्योंकि तुम तूफान मेल हो तुम उसे उठाकर पटक दोगी अरे बाहुबली भाइयों की दबंग बहन हो तुम तुम्हारा खौफ इतना है कि यमराज मुझे बुलाने से पहले 100 बार सोचेंगे अनमोल ये बेफिजूल की बातों के बारे में सोचना बंद करो अब तुम भाई अब सारा रोमांस यही करेंगे या थोड़ा बहुत बात के लिए भी बचा कर रखेंगे नंदिनी नहीं जानते थे भैया कि आप हमारी खुशी में चार चांद लगाने के लिए जरूर आएंगे कैसे नहीं आता हमारी बहन का कन्यादान जो करना है हमने यहाँ लड़की का छोटा भाई अपने जीजा को पगड़ी बांधता है अगर आपकी इजाजत हो तो हम चाहते हैं अजय जमाई जी को पगड़ी बांधे जी क्यों नहीं जरूर रजत बेटा जाओ इनके साथ और अनमोल तुम भी जाके तैयार हो जाओ
ई अनमोल के लिए। जी अनमोल, आज दिवाली तो नहीं है लेकिन तू सच में दिवाली का पटाखा लग रही है। हट, कुछ भी बोलता है। सच में उस पे विश्वास नहीं है? नंदू दीदी से पूछ ले। ये बात तो इसने बिल्कुल सही कही, आज आप किसी पटाखे से कम नहीं लग रही हो। और ये हमारी दुल्हन तैयार है। यहाँ पर तो प्रिंस है ही नहीं, हम नीचे से लेकर आते हैं। देखें जरा, रजत जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। रजत जी, हमारी अम्मू को इतनी खुशियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अम्मू को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा है। अजय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब अनमोल हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दुनिया जहान की खुशियां उसके कदमों में लाकर रख दूं। अनमोल, आज तेरे लिए खुशी का दिन तो है, पर जितना मैं तुझे जानता हूं तेरे अंदर कोई ना कोई बात चल रही है। क्या हुआ बता। यार काजू, हमें ना बहुत बुरा सपना आया था, बहुत डरावना था, बस उसी को लेके बहुत परेशानी की कि अनमोल यार, अब सपने से कौन डरता है? मतलब तूने कल बुरा सपना देखा, आज अच्छा देख लेना। सपना भी कोई परेशान करने वाली चीज है। अब देख, रोज तो तुझे नए सपने आते हैं ना, ये ना तू सपनों को छोड़ दे, और मैं कह रहा हूँ कुछ देर के लिए अपनों को भी छोड़ दे, क्योंकि ये लाइफ तुझे अपने बिगड़े नवाब के साथ एंजॉय करनी है, समझी? अनमोल, क्या है ना, मेरे पेट में कस के चूहे दौड़ रहे हैं, तो ना मैं अपनी पेट पूजा करके आता हूँ। वो क्या है ना, मैं जब कन्यादान के लिए बैठ जाऊंगा ना, फिर कुछ खा नहीं पाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं तेरे लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं, लेकिन हाँ, हमारे लिए तो एक काम कर सकता है, हमारे हिस्से का 2-4 गोलगप्पा और खा ले, ठीक है? पापा, मुझे आपको ये लगाना था। तो आ जाओ। दीदू, कैसे पकड़ा है आपने, ये पिन लग जाएगी आपको। नहीं पापा, अब बड़ी हो गई हूँ, अनमोल मैम ने मुझे सब सिखा दिया है। अच्छा। रजत जी, दिव्यासा को देखकर लगता है कि अब अम्मू भी बहुत बड़ी हो चुकी है। अच्छा, आप तैयार हो जाइए, हम बाहर आपका इंतजार करते हैं। ठीक। लगा। क्या बात है, लगा दिया? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा दीवू, एक बात बताओ, अनमोल माँ आपकी जिंदगी में आ रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, आप खुश तो हो ना? बहुत 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 ज्यादा। अच्छा। हाँ, उनके साथ मुझे फ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है। इसी बात पे दे ताली।
ये। अनमोल, अगर इतनी सुंदर दिखोगी तो मेरा क्या होगा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना, अगर गलती से भी रानी माने आपको यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेंगे, कितना पिघड़ेंगे, आपको पता है ना वो कितना। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।